हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 14 ट्रायल बैलेंस, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं, जिसका एडिशन है 2022। आज उसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस क्या है और ये पर्पज क्या है कि क्यों बनता है ट्रायल बैलेंस। देखो, ट्रायल बैलेंस इज ए समरी ऑफ द बैलेंस ऑफ लेजर, यानी कि ट्रायल बैलेंस क्या है, ये समरी है एक जो हमने लेजर बनाया। आपको याद हो लेजर के बैलेंसेज निकलते हैं, जिनको हम बैलेंस शीट बोलते हैं। इट इज द समरी ऑफ द बैलेंस ऑफ लेजर, लेजर की समरी है। बनाएंगे क्यों वो भी बताता हूँ। देखो, सबसे पहला स्टेप होता है हर बिजनेसमैन का, पहले वो रिकॉर्डिंग करता है, इट इज कॉल्ड जर्नल। जर्नल के बाद उसका अगला स्टेप है उसको क्लासीफाई करता है जर्नल एंट्री को, इट इज कॉल्ड लेजर। जब वो लेजर बना लेगा तो लेजर के बाद थर्ड स्टेप जो आएगा इट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस बनाने का पर्पज है कि जो उसने लेजर बनाए हैं क्या उनके अंदर कोई एरर तो नहीं हो गई, कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। क्योंकि ट्रायल बैलेंस की दो साइड है, एक डेबिट और एक क्रेडिट, ये दोनों यदि टैली करती हैं तो मीनिंग है कि हमने जो लेजर बनाए वो जो है करेक्ट है, उनमें कोई एरर नहीं है। लेकिन ये मैच ना हो तो हमें पता लग जाएगा हमारे लेजर के अंदर कोई एरर हो गई। एक पर्पज तो ये हो गया। नंबर दो बात, इसके बेस पे क्या है, एक छोटी सी समरी फॉर्म में हमें हर अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसके कुछ बैलेंसेज निकले होंगे। अच्छा, ट्रायल बैलेंस नॉर्मली क्या है, एक पर्टिकुलर डेट पर बनाया जाएगा, नॉर्मली एंड ऑफ द ईयर ही बनता है। बीच में बनाना हो आप बीच में ही बना सकते हो, लेकिन जनरली क्या होता है, ये एंड ऑफ द ईयर में बनता है। अच्छा, इट इज नॉट ए अकाउंट, ये अकाउंट नहीं है, इट इज ए स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं जो आपको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ट्रायल बैलेंस, डेबिट बैलेंस के बारे में बताएगा और क्रेडिट बैलेंस में, यानी कि जो अकाउंट हमारे जो हमने लेजर बनाए उन लेजर के अंदर कितने कितने बैलेंस आज बचते हैं, डेबिट बैलेंस कौन से हैं और क्रेडिट बैलेंस कौन से हैं। तो अब ये जरा बनाने का देखो, इसमें टोटल 5 कॉलम खुलते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। पहला कॉलम होता है सीरियल नंबर का, अगला नंबर है हेड ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं उसको सेकंड नंबर को, या नेम ऑफ अकाउंट्स, वो हमने ये देखो ये लिख दिया जरा। नंबर थर्ड LF, जिसमें हमने कुछ नहीं करना। अगला डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। अब ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंस क्या है वो जानते हैं। जब हमने लेजर बनाए थे, आपको थोड़ी देर के लिए याद हो, आपने हर लेजर को क्लोज करा था बाई बैलेंस सीडी या टू बैलेंस सीडी करके, जिधर भी डिफरेंस आया, और उसके बाद उसको नीचे फॉरवर्ड करा था जिधर आया। लेट करो किसी बैलेंस का टू बैलेंस बीडी आया तो दैट इज डेबिट बैलेंस, किसी का बाई बैलेंस बीडी निकला क्लोज करने के बाद याद रखना तो वो क्रेडिट बैलेंस हो गया। ये चीज क्लियर है, इधर आ जाएंगे वो। अब ये डेबिट में कौन से आएंगे और क्रेडिट में कौन से आएंगे वो भी आपको बताता हूँ। ये देखो, जितनी भी हमारी असेट्स हैं और जितने हमारे एक्सपेंसेज हैं, इट इज डेबिट बैलेंस, ये चीज याद रहेगी। मैं ऊपर भी लिख देता हूँ इसीलिए। ये देखो, ये जो हम बना रहे हैं ये डेबिट बैलेंस है, यहाँ पर कौन कौन सी आएगी, या तो असेट्स आएगी, लिखना नहीं है आपने समझने के लिए, और यह एक्सपेंसेज आएंगे। क्लियर है, जितने भी डेबिट होंगे डेबिट साइड में जो आएंगे। क्रेडिट बैलेंस कौन कौन से होते हैं आपको बता देता हूँ, ये या तो लाइबिलिटी होगी, लाइबिलिटी आपको थोड़ी सी याद होगी, इनकम्स होंगी जिनको रेवेन्यू बोलते हैं, और एक कैपिटल, यानी कि तीन आइटम इधर हैं। देखा जाए हमें कोई भी अकाउंट होगा उसकी नेचर पे जाना है, वो नॉर्मली 5 होती हैं, या तो वो असेट्स होगा, जैसे कोई भी अकाउंट ले लो जैसे कैश अकाउंट, या तो असेट्स होगा या कैपिटल होगा, या आपका एक्सपेंस होगा या इनकम, और या आपका रेवेन्यू। तो हमें उनको आइडेंटिफाई करना है कि वो असेट्स है, कैपिटल है, लाइबिलिटी है, इनकम है या रेवेन्यू। ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी सीख रखा है। अब जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, कुछ अकाउंट दे रखे होंगे, उन अकाउंट को हमें खुद क्लासिफाई करना है कि ये असेट्स नेचर का है या एक्सपेंस नेचर का है, या इनकम नेचर है, कैपिटल है, या लाइबिलिटी नेचर है। देखो, असेट्स और यदि एक्सपेंसिज होंगे तो वो तो डेबिट बैलेंस है, हमेशा ऑलवेज याद रख लो। और यदि कभी वो लाइबिलिटी हो आपको, उसके बाद रिवेन्यू हो या कैपिटल हो, तो वो कौन सी साइड आएंगे, हमेशा क्रेडिट साइड आएंगे। ये चीज़ थोड़ी क्लियर हो गई। अच्छा, थोड़ा इसको जज करने के लिए और भी आपको बताता हूँ। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन करी थी, अकाउंटिंग इक्वेशन में असेट साइड में जो जो कॉलम खोले थे दैट इज अवर असेट्स, वो असेट्स हो गए। कैपिटल में जो हम माइनस करते थे एक्सपेंसिज, वो एक्सपेंसिज हो गए। और चीज़ें जो बच गई, जो लाइबिलिटी में खोलते थे, जैसे लाइबिलिटी में क्या क्या खोलते थे, क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, बैंक लोन हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी, इट इज लाइबिलिटी। और जो कैपिटल में ऐड करते थे नॉर्मली, वो क्या करते थे, इनकम, तो वो रेवेन्यू हो गई हमारी या इनकम हो गया। तो अब क्लियर हो गया कि ये जो बनता है कैसे बनता है। सबसे बड़ा तो इसका बेनिफिट ये है,
ये हमें जो है मैथमेटिकल एक्यूरेसी का काम करता है। हमने जो लेजर बनाए, यदि इनकी ये दोनों साइडें मैच कर गई, उन बैलेंसेज को यहाँ लिखते हैं, अभी जैसे लिखेंगे बताऊंगा, यदि वो दोनों साइडें मैच करती हैं डेबिट और क्रेडिट, तो हमारा जो है एक्यूरेसी चेक हो जाएगी कि यानी कि हमारे लेजर ठीक है। इसके बाद इसका आगे क्या बेनिफिट है, इसके बेस के ऊपर ही हम जो है क्या है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है वो भी समझा देता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि आगे हर बिजनेसमैन ये जानना चाहेगा एंड ऑफ द ईयर पे कि मुझको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो वो किसकी हेल्प से मिलता है, क्योंकि हमने हर अकाउंट की समरी बना ली, ट्रायल बैलेंस के बेस पे ही हमारे जो है फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन आज करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन, आज इंट्रोडक्शन पार्ट है तो ज़्यादा नहीं करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को ही करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ, टी एस ग्रेवाल बुक से कर रहे हैं, आप एक बार देखो अपनी बुक में लिखा है यहाँ पर, प्रिपेयर बैलेंस विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है और उनके बेस पर हमें ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। टोटल कितने कॉलम ओपन करने हैं ट्रायल बैलेंस में, नंबर एक सीरियल नंबर, नंबर दो जो है नेम ऑफ अकाउंट्स, या उसी को क्या बोलते हैं हेड्स ऑफ अकाउंट्स, ये लिख दिया हमने। और का मतलब है या तो ये लिखना और या हेड्स ऑफ अकाउंट, एक ही चीज़ है। अगला जो आएगा LF, जिसमें हमने अभी कुछ नहीं लिखना, लेजर फोलियो, उसके बाद डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, वो हमें खुद सोच के लिखना है कि इसे डेबिट में लिखें या क्रेडिट में, जैसे अभी आपको दे रखा है क्वेश्चन तब बताऊंगा। अब जरा पहले नंबर पे चलते हैं, देखो सीरियल नंबर दे रखा है 1, 2, 3, 4 दे रखे हैं, ऑर्डर वाइज है तो ऑर्डर वाइज ही लिखेंगे। तो यहां पर शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, सबसे पहला नंबर 1, क्या नंबर दे रखा है 1 के ऊपर चेक करते हैं जरा, कैपिटल अकाउंट लिख दो, कैपिटल अकाउंट जितना दे रखा है आपको, कैपिटल का बैलेंस दे रखा है क्वेश्चन में 2 लाख, तो 2 लाख लिख दो, ये रहा कैपिटल का। अब नंबर 2 पे आओ, नंबर 2 के ऊपर आपको जो दे रखा है कैश अकाउंट और फिर क्रेडिटर, ये तो कैश अकाउंट दे रखा है लिख दो। पहले अभी लिखते हैं फिर सोचते हैं किधर लिखें। कैपिटल तो हमने क्रेडिट में लिखा क्योंकि क्रेडिट बैलेंस था, ये देखो मैंने ऊपर लिख भी दिए। जैसे आपको जब जैसी अकाउंट आएगा तो आपने सोचना है ये मेरी असेट्स है या क्या है। देखो कैपिटल क्या थी, लाइबिलिटी का पार्ट है, तो असेट्स तो है नहीं, आपने देखा असेट्स के इक्वल टू करते हैं, कैपिटल किधर जाएगी क्रेडिट। डेबिट में ट्रायल बैलेंस जब भी बनाएंगे डेबिट में क्या चीज लिखी जाएगी, असेट्स लिखी जाएगी और एक्सपेंसिज, और एक्सपेंसिज भी वो वाले जो हमने पेड कर रखे हैं, तो वो यहां पर आ गए। क्रेडिट साइड में क्या चीज लिखी जाएंगी, 3। हमें नेचर जाननी है अकाउंट की, वो क्या है, इन 5 में से एक ही निकलेगा वो, जैसे अभी आ रहे हैं तब समझ आ जाएगा। लाइबिलिटी इधर लिखी जाएगी, कैपिटल इधर लिखी जाएगी और रेवेन्यू इधर लिखी जाएगी, रेवेन्यू मींस इनकम। अब अगला क्या आ रहा है आपका, कैश, कैश की नेचर क्या आपको याद हो, असेट्स, तो किधर लिखी जाएगी, देखो ऊपर लिखा हुआ असेट्स, तो असेट साइड में लिख देंगे इसको। कितना अमाउंट दे रखा है वो, 1,80,180 लिख दो कैश के आगे। अगला थर्ड चलते हैं अब, चलो जी थर्ड आ रहा आपका क्रेडिटर, तो क्रेडिटर का देखते हैं अब कितना अमाउंट आ रहा है क्रेडिटर का, वो देख सकते हैं 1,00,000। अब क्रेडिटर हमारा क्या है जरा चेक करते हैं एक बार, क्रेडिटर इज ए लाइबिलिटी, क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है, ये देखो आप जर्नल से भी पास करोगे, पे करना है हमने, हम अकाउंटिंग क्वेश्चन में लिखते भी किधर थे लाइबिलिटी साइड, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे इसको। अमाउंट जितना दे रखा है अमाउंट आप पुट कर दो, क्रेडिटर का कितना है 1,00,000। चलो जी क्लियर है, ये लेजर बनाने, ये हम ट्रायल बैलेंस बनाने जा रहे हैं और ये दोनों मैच करेंगे अभी देखना आप। अब फोर्थ पे आओ, फोर्थ के ऊपर आपको जो दे रखा है वो सेल्स दे रखा है, तो सेल्स अकाउंट हो गया। सेल्स हमारी आपको पता हो रिवेन्यू, इनकम का सोर्स है, रिवेन्यू है, तो किधर लिखी जाएगी क्रेडिट, ये ऊपर इसीलिए हमने लिख दिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। डेबिट में क्या चीज लिखे जाएंगे, खाली असेट्स और एक्सपेंसेस, और क्रेडिट में क्या लिखे जाएंगे, इनकम कैपिटल और लाइबिलिटी। कितनी सेल्स है 3,00,000, तो 3,00,000 लिख दो यहां पर, ये लो। अब अगला चलते हैं, सेल्स के बाद अगला क्या आ रहा है, अगला आ रहा है आपका स्टॉक, ये रहा स्टॉक, किधर लिखते थे अकाउंटिंग इक्वेशन पे भी चले जाओ पता लग जाएगा आपको, स्टॉक हमारा असेट्स है, डेबिट साइड आएगा, स्टॉक कितना दे रखा है 70, इट इज असेट्स लिख दो 70, ये लो। अब इसके बाद अगला स्टॉक के बाद नेक्स्ट आ रहा है आपको डेटर्स, डेटर इज ऑल्सो असेट्स लिख दो डेटर, कितना अमाउंट दे रखा है डेटर का 3,00,000, 3,00,000 लिख दो यहां पर, एक ही जगह आएगा या तो इस कॉलम में आएगा या उधर, जिसमें नहीं आ रहा है ऐसे थोड़ा डॉट डाल दो जो कंफ्यूजन ना हो में। अब डेटर के बाद अगला क्या आ रहा है, बैंक लोन, तो खुद सोचेंगे वो क्या चीज है,
बैंक लोन, चलो जी लायबिलिटी है बैंक लोन तो लायबिलिटी में लिख देंगे बैंक लोन अकाउंट। अमाउंट चेक करते हैं कितना है, 1,50,000, 1,50,000। यहां तक क्लियर हुआ? अब उसके बाद लास्ट बच गया हमारा ये क्या है, एक बच गया परचेजेज, लिख दो परचेजेज अकाउंट, परचेजेज अकाउंट 2,00,000 रुपी, वो 2,00,000 रुपी यहां लिख दो। यहां तक क्लियर हुआ? अब जरा चेक करते हैं एक बार जो हमने लिखे, टोटल 8 अकाउंट लिखे थे, कैसे बनाया था दोबारा से समझा देता हूं। 5 कॉलम खोलने हैं, सीरियल नंबर है, उसके बाद नेम ऑफ अकाउंट या हेड्स ऑफ अकाउंट, LF का जिसमें हमने कुछ नहीं लिखना, फिर 2 कॉलम डेबिट और क्रेडिट। डेबिट में कौन से लिखे जाएंगे, जो हमारे असेट्स होंगे या एक्सपेंसेज होंगे। क्रेडिट में कौन से लिखे जाएंगे, जो हमारे इनकम होंगे, लायबिलिटी होगी या कैपिटल होगी। यहां से आपको पहचान लेना है कैपिटल किधर थी, ये लिखी हुई ऊपर कैपिटल यहां लिख दी। ये जो ऊपर मैंने लिखा है ये समझाने के लिए आपने लिखना नहीं है, याद रखना। फॉर्मेट ये है ट्रायल बैलेंस का, डेट क्वेश्चन में मेंशन नहीं थी इसलिए हमने छोड़ दी, वरना यहां डेट डालेंगे जो भी डेट दे रहा होगा। उसके बाद जी अगला कैश आ रहा है, कैश इज आवर असेट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन से भी थोड़ा याद आ जाएगा आपको कि कौन कौन सी असेट्स है। हर अकाउंट 5 ही टाइप का बनता है, या तो वो असेट्स होगा या कैपिटल होगा या एक्सपेंस रेवेन्यू या लायबिलिटी। तो कैश क्या है हमारा, असेट्स, तो डेबिट साइड आ जाएगा। ये देखो ऊपर लिखा हुआ है असेट्स, डेबिट साइड में आ रहे हैं। क्रेडिटर क्या है, इट इज लायबिलिटी, क्रेडिट साइड में आ गया, ये रहा लायबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सेल्स, सेल्स क्या, इट इज अवर इनकम, रेवेन्यू है, सेल्स क्रेडिट, ये रहा रेवेन्यू, ऊपर दे रखी हुई इनकम। नेक्स्ट स्टॉक, इट इज असेट्स, डेबिट साइड। उसके बाद डेटर, असेट्स, ये रहा 3,00,000। बैंक लोन, इट इज अ लायबिलिटी, तो क्रेडिट साइड लिख दिया। उसके बाद फिर परचेजेज अकाउंट। अब इन दोनों का टोटल करते हैं, वो मैच करता है तो हम समझेंगे ये हमारा ठीक निकला। इधर का टोटल करते हैं 3,02,5,06,7,50,000, तो इधर का आ रहा है 7,50,000, ये लिख दो। इधर का टोटल करो 3,36,7,50,000, ये टोटल, ये रहा। क्लियर हुआ? ऐसे कर बनाएंगे हम ट्रायल बैलेंस को। ये तो वो था क्वेश्चन जिसके अंदर हमें बैलेंसेज दे रखे थे, ये ऑलरेडी क्या है, लेजर बने हुए हैं और लेजर के बैलेंसेज हैं। लेजर का मतलब जो आपने बनाए थे, याद करो लेजर वाले चैप्टर में कैश अकाउंट बनाया होगा तो कैश में कुछ डेबिट में लिखा, कुछ हमने क्रेडिट में लिखा, फिर बाद में उसका बैलेंस शीट ही निकला और फिर उसको फॉरवर्ड करा था 2 balance VD, तो डेबिट साइड आया था तो डेबिट में लिख दिया। ऐसे ये सारे हमें क्या दे रखे हैं, लेजर के बैलेंसेज दे रखे हैं जो हमने लेजर बना रखे हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास के अंदर आ रहा है, जो सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, उसमें क्या है, जर्नल भी पास करनी है, लेजर भी बनाने और फिर ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज थोड़ा सा स्टार्टिंग था तो आज हमने इंट्रोडक्शन दे दिया कि कैसे बनता है, पर्पज क्या है वो समझा दिया, मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है ट्रायल बैलेंस बनने का काम, थर्ड स्टेज है ये, इससे पहले 2 स्टेप और करते हैं हम, कौन कौन से, एक करते हैं रिकॉर्डिंग का, दैट इज कॉल्ड जर्नल। सेकेंड पे क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, इट इज कॉल्ड लेजर। और लेजर को ये चेक करने के लिए कि लेजर हमारे ठीक हुए, लेजर के बैलेंसेस ठीक निकले या नहीं, वी आर मेकिंग द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की दोनों साइडें टैली करती हैं तो हमारे लेजर ठीक थे, जैसे इस क्वेश्चन में दोनों टैली कर गए तो ये जो हमने लेजर के बैलेंसेस निकाल रखे थे ये एक्यूरेट है, इनमें कोई एरर नहीं है। अच्छा, दूसरा इट इज ए समरी फॉर्म है, ये समरी फॉर्म के अंदर मिलता है हमें डायरेक्ट पूरा कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं देखने की, लास्ट में कितना कैश बचा वो पता चल जाएगा, डेटर से कितना लेना है आखिरी में ये पता चल जाएगा, तो ये पर्पज है। और साथ में अब ये हेल्प करेगा हमें आगे जब हम इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्लास में इसका सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, उसके अंदर फुल फ्लैश होगा, जर्नल भी पास करेंगे, लेजर भी बनाएंगे और ट्रायल बैलेंस भी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करो। आपको फॉर्मेट बता दिया, डेबिट बैलेंस बता दिया, डेबिट में क्या है, थोड़ा आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो अकाउंट आ रहा है वो किस कैटेगरी का है, वो असेट्स है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है या कैपिटल है, बस उससे हमारा ट्रायल बैलेंस बन जाएगा आराम से। 2 डेबिट में तो वही आने, असेट्स और एक्सपेंस, क्रेडिट में 3 है, इनकम है, लायबिलिटी और कैपिटल। तो यहां तक अब आपका आज फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।